मनुष्य के जीवन में दो सबसे बड़ी घटनाएं होती हैं, जीवन और मृत्यु। जैसे शरीर को चाहिए भोजन, वैसे ही आत्मा को चाहिए भक्ति। और ये भक्ति ही मनुष्य के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना को अनुभव करने की ताकत देती है, और वो है आपके इष्ट से आपका मिलन। कौन भक्त नहीं चाहता कि वो अपने इष्ट का दर्शन न करे, और आपका ईश्वर आपकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर आपके जीवन में आपको कई बार दर्शन दे भी चुका है। लेकिन हमारी ये मामूली आंखें इस चीज़ को समझ नहीं पाती, क्योंकि ईश्वर महसूस होता है हृदय से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जो अगर आपके जीवन में आपको महसूस हुए हैं या फिर कभी होंगे, तो समझ लें कि दैवीय ऊर्जा से आप घिरे हुए हैं और आपके ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं कि आप उनको महसूस कर सकें। ये सारे संकेत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ें होती हैं जो एहसास के रूप में आती हैं एक भक्त के जीवन में। तो आइए जानते हैं पहला संकेत क्या है कि आपके प्रभु आपसे प्रसन्न हैं। रोज की पूजा साधना करते वक्त कई बार भक्तों के अंदर एक प्रेम का फव्वारा उठता है। सब कुछ बहुत सुंदर और शांत लगता है। आपका रोम रोम खिल जाता है, सिहर जाता है, शरीर में लहरें उठने लगती हैं, और आप खुद हैरान होते हैं कि आप किसी समस्या से भी जूझ रहे होंगे, लेकिन वो पल आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, आप इतना तरोताज़ा महसूस करते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा एक तितली को देखकर खिल उठता है। और ये एहसास आपके साथ रोज नहीं होता, ये कुछ खास एहसास कभी कभी होते हैं। जिन भाई बहनों ने ये अनुभव किया है वो जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इसका कारण होता है आपके चारों ओर आपके ईश्वर की मौजूदगी, और आप इस वक्त उनके दर्शन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं दूसरा संकेत। जब आप जोत जलाते हैं और पूजा में बैठते हैं, तो उस बीच आपको उस दिए की अग्नि में अपने प्रभु की आकृति दिखती है, और ये चीज़ बहुत कम लोगों ने अनुभव की होती है, और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इसको अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जिन भी लोगों ने ये अनुभव किया है, समझ लीजिए आपकी वो साधना सिद्ध होने वाली है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, ईश्वर हर वक्त हर जगह मौजूद है, उसकी ऊर्जा का मनुष्य रूप आप ही तो हैं। तो कभी भी बात ये नहीं है कि ईश्वर आपके पास मौजूद नहीं है, बस कुछ पल ऐसे होते हैं कि आप उनसे संपर्क बैठाने के काबिल हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा अभी भी मौजूद है और सूर्य अभी भी मौजूद है, लेकिन अगर रात्रि काल है तो सूर्य नहीं दिखेगा, और अगर दिन है तो चंद्रमा नहीं दिखेगा। बस समझिए प्रभु के साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो आइए अब जानते हैं तीसरा संकेत। आप जिस समय पूजा कर रहे हैं या जिस दिन आपका व्रत है, उस वक्त या उस दिन आपको एक भीनी भीनी सुगंध आती है। ऐसा लगेगा जैसे कोई पुष्प अंगड़ाई लेकर खिलौटा हो। और जो भक्त लोग बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन्हें यह एहसास कभी भी हो सकता है। और जब कभी भी ऐसा एहसास आपको हो, तो दो पल उस समय ईश्वर की भक्ति के लिए जरूर निकालें, अपने इष्ट का कोई मंत्र जपें या उसके ध्यान में दो मिनट के लिए बैठ जाएं। आपका संपर्क अपने प्रभु से हो रहा है, तो व्यर्थ के कामों में समय ना बिताएं। उस समय आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसा पल अनुभव करने के लिए मिला। ये संकेत है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, जैसे जैसे आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं, ये अनुभव और प्रगाढ़ होते जाएंगे, और भावनाओं के साथ साथ ये अनुभव आपकी इंद्रियों पर भी छाप छोड़ देंगे। अब चलते हैं चौथे संकेत की तरफ। जब आप साधना कर रहे हैं तो आप एक अनचाही सी मदहोशी में डूब जाएंगे, जैसे कोई स्वप्न देख रहे हो। आपकी जिह्वा मंत्र का उच्चारण करती रहेगी, लेकिन आप अपने इष्ट के दर्शन अपनी साधना के दौरान साक्षात कर रहे होंगे। और ये कुछ इस तरह से होता है कि आपकी पूजा में कुछ भी रुकावट नहीं आती है, जैसे कोई आपको अपने दिल से लगाए आपकी सहायता कर रहा हो। ये कुछ ऐसा ही अनुभव है, क्योंकि दोस्तों भक्ति एक पागलपन है। भक्ति को आप तोल नहीं सकते, ना ही भक्ति की मिठास आप किसी को समझा सकते हैं। और ऐसे अनेकों अनुभव हैं जो आपके व्यक्तिगत अनुभव होंगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं पांचवा ऐसा क्या संकेत है कि आपके प्रभु से आपके मिलन हो सकता है। ये हो सकता है कि स्वप्न में आप अपने इष्ट से बातें कर रहे हों, लेकिन तभी आपको एहसास होगा कि आप स्वप्न में नहीं हैं। ये आपकी बुद्धि आपको एहसास करा रही होगी कि ये स्वप्न है, क्योंकि बुद्धि चलती है तर्क पर, लेकिन वो स्वप्न नहीं होगा,
आप जागृत अवस्था में अपनी इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे होंगे अपने प्रभु को, उन्हें देख पा रहे होंगे अपनी आंखों से, अपने कानों से उन्हें सुन पा रहे होंगे। तो ये भक्ति की शक्ति होती है, भक्ति में डूब जाने का एहसास होता है, जो इन संकेतों को इतना प्रगाढ़ बना देता है और आपकी इंद्रियों को इतना सशक्त बना देता है कि आप ये सब महसूस कर पाते हैं। क्योंकि इंद्रियों से अपने इष्ट को महसूस वही कर पाता है जो एक जोगी की भांति अपने प्रभु की भक्ति में पागल हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो अधिकतर भक्तों के जीवन में होते हैं, ये कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो व्यक्ति विशेष के होते हैं, जैसे कि किसी को आंख बंद करके पूजा के वक्त रोशनी का एहसास होता है, किसी को ठंडक का एहसास होता है, ऐसा लगता है मानो एसी खुला है। और कभी अगर आप गहरी तीव्र साधनाएं कर रहे हैं तो आपके शरीर में आकस्मिक गर्मी अनुभव होगी, ऊर्जा अनुभव होगी। तो ऐसे हर मनुष्य के लिए अलग अलग संकेत होते हैं। आखिर में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो देवी की भक्ति करते हैं उन्हें क्रोध आने लगता है, तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि देवी शीतलता है। जो क्रोध है वो आपके अंदर के वातावरण को स्वच्छ करने के लिए और आपको आईना दिखाने के लिए देवी का एक जरिया है, कि मानो वो आपको बता रही हो कि हे मनुष्य, तू मुझे सिद्ध तो कर लेगा, लेकिन इस क्रोध को, इस अहंकार को कहाँ लेकर जाएगा, इसे बाहर फेंक दे। तो अपने क्रोध को लेकर खुश मत होइए, क्योंकि देवी शीतलता है और प्रेम है। अपने क्रोध को आज ही त्याग दें, ताकि जब आपका पहला संपर्क आपके प्रभु से हो तो वो प्रेम का संपर्क हो, ना कि भूमिका तैयार करने का। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो हर भक्त को, हर साधक को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर अनुभव हुए होंगे। तो अगर ये संकेत आपको कभी भी जीवन में अनुभव हुए होंगे तो समझ जाइए कि आपके प्रभु की, आपके इष्ट की आप पर बहुत कृपा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं सवाल और जवाबों की तरफ। अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के मैंने सवाल लिए हैं और उनके जवाब दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई बहनों के डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला सवाल है रणवीर सिंह जी का। वो पूछ रहे हैं कि ओम दुम दुर्गाई नमः, इस मंत्र का गुप्त नवरात्रों में क्या रात्रि में जप कर सकते हैं? तो जी हाँ रणवीर जी, आप गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के इस मंत्र का रात्रि में जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं, असीम कृपा आपको माँ की प्राप्त होगी। दूसरा सवाल है अक्की जी का। इन्होंने लिखा है अक्की एन, तो ये पूछ रहे हैं कि गुप्त नवरात्रों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अपराजिता स्तोत्र, श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, क्या इनका पाठ कर सकते हैं? तो जी हाँ की जी, गुप्त नवरात्रों में देवी दुर्गा की पूजा में आप इन सभी स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। इन सभी का पाठ बहुत फलदायी होता है, ये सभी दैवीय शक्तियों और दैवीय कृपा साधक को प्रदान करते हैं, जीवन में आने वाली सभी अड़चनों को दूर करते हैं, तो आप जरूर इनका पाठ कीजिए। तीसरा सवाल है के जे जी का। इन्होंने ऐसा ही लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा है अपना। तो ये पूछ रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो के जे जी, आप नवरात्रि के व्रत में कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना खा सकते हैं, आलू, शकरकंदी, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। अन्न आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फलाहार मानी जाती हैं। आप साबूदाने की खिचड़ी आप बना सकते हैं और सिंघाड़े के आटे का स्वादिष्ट हलवा भी बनता है, रोटी भी बनती है, किसी भी रूप में आप, जिस रूप में आपको ठीक लगे उस रूप में आप ले सकते हैं। आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, प्याज, लहसुन और नॉनवेज आपको नहीं खाना है, फल आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के, बहुत सारे भाई बहनों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कभी भी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर मैसेज कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवाल अपनी वीडियोस में लें और आपको उनके सवालों का जवाब मिल सके। तो आज की वीडियो यही खत्म करती हूँ दोस्तों। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और माँ की भक्ति में डूबे रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।